नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आज 7 राज्यों में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। इसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई में मौसम का रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश। कुदरत के भयानक ट्रेलर से सावधान। मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद कम वक्त में बेहिसाब बारिश ने सिस्टम को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक ही दिन की बारिश ने माया नगरी मुंबई की हालत खस्ता कर दी है। दौड़ते भागते शहर पर बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि हर किसी के चेहरे पर आने वाले खतरे की झलक साफ देखी जा सकती है। सांता क्रूज, कोलाबा, बायकुला, माटुंगा, सायन, दहिसर, राम मंदिर और विक्रोली में कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा से आई इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने गांव के गांव लील लिए हैं। अचानक आई मौसम की साफत की वजह से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। कोलरी गांव में फंसे इन लोगों को पहले तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। असम में बाढ़ ने चारों ओर हाहाकार मचाया हुआ है। 24 घंटे में बाढ़ की चपेट में आने से 6 और लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक असम में बाढ़ से अब तक 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 27 जिलों में लगभग 19 लाख लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 137 जंगली जानवरों की जान जा चुकी है। असम में लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है असम में, जहां पर आम लोगों की जान तो आफत में है ही, साथ ही इस बाढ़ में 137 जानवरों की मौत भी हो चुकी है। 24 घंटे में बाढ़ की चपेट में आने से 6 और लोगों की मौत हुई है। अब तक 72 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। और अब उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां के चमोली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। पहाड़ गिरने की ये डरावनी तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये देखिए किस तरह से यहां पर पहाड़ गिरता है। ये तस्वीरें आपको और ज्यादा कर सकती है। सोचिए यहाँ से अगर कोई गुजर रहा होता तो उसका क्या हाल, उसका क्या हश्र होता। पहाड़ी कुत्ते आप यहाँ पर भागते देख सकते हैं। अचानक से ऊपर से ये पहाड़ का हिस्सा गिरता है और उसके बाद की तस्वीरें। इस लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। ये उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।
लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा है और पहाड़ गिरने की ये डरावनी तस्वीरें बेहद खौफजदा करने वाली हैं। ये तस्वीरें वही महाराष्ट्र में बुलढाणा में मूसलाधार बरसात से हालात बद से बदतर हो गए। कई गांव के गांव पानी में समा गए, जिसके चलते जो जहां था वो वहां ही फंसा रह गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे स्थानीय लोग ही रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। कोलरी गांव में बाढ़ में फंसे 6 लोगों ने जब बचाव की गुहार लगाई तो सरकारी मदद न मिलने पर स्थानीय लोगों ने ही राहत और बचाव कार्य चलाया और रस्सी की मदद से सभी को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लिया गया। तो महाराष्ट्र में बुलढाणा में मूसलाधार बारिश होने से हालात बद से बदतर हो गए हैं। कई गांव के गांव पानी में समा गए, इसके चलते जो जहां था वो वहां ही फंसा रह गया। कैसे स्थानीय लोग ही रेस्क्यू में जुटे हुए हैं आप देख सकते हैं। कोलरी गांव में बाढ़ में फंसे 6 लोगों ने जब बचाव की गुहार लगाई, सरकारी मदद नहीं पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और अब बैतूल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बरसाती नाले को पार करने के चक्कर में एक महिला की जान पर बनाई। बरसाती नाले को पार करने के दौरान अचानक लहरों का ऐसा प्रहार हुआ कि महिला पानी के बीचों बीच फंस गई। काफी देर तक वो मदद के लिए चिल्लाती रही। एक बच्चे ने महिला के फंसे होने की खबर गांव में पहुंचाई तो फिर कुछ लोग वहां पहुंचे और रस्सी की मदद से महिला का रेस्क्यू शुरू किया गया। एक शख्स रस्सी के साथ बरसाती नाले में उतरा और फिर रस्सी की मदद से किसी तरह महिला को सैलाब से बाहर खींच लाया। यहाँ लहरों का वेग ऐसा था कि दूर दूर तक इसका शोर सुनाई दे रहा था। थोड़ी सी भी गलती की यहाँ गुंजाइश नहीं। उनके भी कमर पर बंधवाने लगा देना। पानी का धार तेज भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर और बरेली में बाढ़ से हालात खराब हैं। शाहजहांपुर की खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके डूब में आ गए हैं। दूसरी तरफ पीलीभीत में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया है तो वहीं लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहां रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी नदी के बहाव में धंस गई। कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर कम होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है तो वहीं कन्नौज में गंग नहर के कटान ने तबाही मचाई। कटान से खेतों में घुसे पानी ने सैकड़ों बीघा फसल नष्ट कर दी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अचानक पहाड़ से सैलाब आ गया। निचले इलाकों में बसे लोगों पर मौत बनकर टूट पड़ा। पानी के साथ गिरे बड़े बड़े पत्थरों ने क्या घर क्या सड़क सबको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ और जमीन खिसकने जैसी स्थिति बन गई है। शिमला में जमीन खिसकने से निचले इलाकों में बसे घरों पर जल सैलाब टूट पड़ा है। पानी के साथ गिरे बड़े बड़े पत्थरों ने क्या घर क्या सड़क सभी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। वहीं प्रशासन ने हालातों को पूरी मुस्तैदी से निपटाने का भरोसा दिया। महकमा तैयार है, पीडब्ल्यूडी तैयार है, आईपीएच, बिजली बोर्ड सब अलर्ट पे हैं कि बरसात को लेके मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आदेश किए थे अधिकारियों कि हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। वही मौसम विभाग ने शिमला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले 48 घंटे प्रशासन और जनता के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
कटनी के बलवारा में इन दिनों मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश होने से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए, लेकिन कुछ गांवों के ग्रामीण नदी नालों को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हाल ही में गुड़ा देवरी महानदी घाट में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर महानदी को पार करते नजर आए। गांव वालों का कहना है कि पुल न होने के कारण बलवारा कटनी मुख्यालय के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। मजबूरन यहाँ के ग्रामीण और स्कूल के बच्चे उफनती हुई नदी को पार करते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस पानी को पार करते हुए ही जाना पड़ता है, सफर तय करना पड़ता है, जिसे गांव वाले और स्कूल के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार करते हैं। यही माननीय प्रधान महोदय के नेतृत्व में प्राकृतिक आपदा कमेटी की बैठक हो चुकी है, तो संबंधित ग्राम पंचायतों को, पीडब्ल्यूडी को और तहसीलदार के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे बोर्ड लगा दिए जाएंगे। ये कल ही वीडियो आया है बड़वारा का, तो वहाँ हमने तहसीलदार को बोला है, ग्राम पंचायत को भी बता दिया है, तो आज दोपहर तक वहाँ बोर्ड लग चुके हैं कि ये पानी होने पर आवागमन ना करे और गाँव जोखिम में डालने के लिए वहाँ पर एक बैरियर लगाने की बात है, तो आजकल में लग जाएंगे वहाँ पे। वहीं ग्वालियर जिले के बेहट की झिलमिल नदी में अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। नदी में अचानक आए उफान के चलते ग्रामीण की 50 बकरियां दूसरे ही छोर पर फंसी रह गई, जिसकी सूचना ग्रामीण ने पुलिस और गांव के युवाओं को। थोड़ी देर में गांव के युवाओं की टोली नदी किनारे पहुंच गई। युवाओं ने नदी के दोनों ही किनारों तक रस्सी बांधकर बकरियां निकाली। युवाओं ने हाथों की चेन बनाई, आधे घंटे में बकरियों को सुरक्षित निकाला। थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक सारी बकरियों का रेस्क्यू हो चुका था। बकरी चराने गया व्यक्ति जब बीती शाम लौट रहा था, तो बारिश के कारण पानी बढ़ गया, उसकी 50 बकरियां फंस गईं। गांव वालों ने जान जोखिम में डालकर सराहनीय काम किया और रस्से के माध्यम से बकरियों को बाहर निकाला। पुलिस को जब तक सूचना मिली तब तक साकुशल बकरियां वापस आ चुकी थी। कोरबा के खोडल गांव में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। नाले की खुदाई की वजह से सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ है और इस वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि कई लोग कीचड़ की वजह से गिर चुके हैं और गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रही है। हम लोग को स्कूल जाने में दिक्कत होता है, यहाँ का रोड बनाइए, यहाँ तक हम लोग का बस नहीं आता, हम लोग को बहुत दूर चल कर जाना पड़ता है। आने जाने में पूरा दिक्कत है, 112 एम्बुलेंस घुस नहीं पा रहा है गांव के रास्ते में। और क्या क्या समस्या, अभी कौन सी स्थिति में बच्चे स्कूल जा रहे हैं? अभी स्थिति लोग गांव के जो उसका घर का जो गार्जियन है वो अपना कंधे में पकड़ के ले गए हैं बस तक। और करें इस समय की बड़ी खबर का, बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री योगी ने लिया है बहुत बड़ा एक्शन। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को निलंबित किया है। साजिश से इनकार नहीं, गहन जांच की आवश्यकता है। रिपोर्ट में यह कहा गया है आयोजकों की लापरवाही के चलते हुआ हाथरस हादसा, इस बात का जिक्र भी रिपोर्ट में है। भीड़ को आमंत्रण दिया गया लेकिन पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, सीनियर अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज की लापरवाही भी सामने आई है। कार्यक्रम के आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया है। आयोजक मंडल से जुड़े लोग अव्यवस्था फैलाने के दोषी हैं, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। वहीं एसआईटी इस रिपोर्ट के बाद सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए रविंद्र कुमार एसडीएम को, सिकंदरा राव के एसडीएम रविंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों का निलंबन किया गया है। लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है। जो आयोजन करता है वो मुख्य रूप से इस हादसे में हुए जनहानि के लिए जिम्मेदार हैं। इस हादसे के पीछे उन्हीं का हाथ है, क्योंकि भीड़ को बुलाया गया लेकिन पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए।
और अब बात कठुआ की, जहां आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन को तेज करते हुए स्पेशल फोर्स को मुठभेड़ वाली जगह पर उतारा। रात में हेलीकॉप्टर से विशेष कमांडो कठुआ पहुंचे। जंगल में छिपे आतंकियों के नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से तलाशी की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आतंकियों की तलाश जारी है। कल कठुआ में हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, 3 की हालत गंभीर है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल शामिल है। कठुआ में आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन को तेज करते हुए स्पेशल फोर्स को मुठभेड़ वाली जगह पर उतारा। रात में हेलीकॉप्टर से विशेष कमांडो कठुआ पहुंचे। जंगल में छिपे आतंकियों की नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से तलाश की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। कल कठुआ में हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सैनिक बल शामिल है। हमला कैसे हुआ, आतंकियों ने कहां से गोलीबारी शुरू की और सेना ने कैसे उसका सामना किया, पूरी कहानी वहां मौजूद चश्मदीदों की जुबानी सुनाते हैं। दो गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा एलॉय साइड से, उनको ने क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी चार पांच बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले की गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू हो गई। जम्मू में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए जैश ने ओवरग्राउंड वर्कर प्लान बनाया था। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मुखबिरों और ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक्टिव करने का फरमान दिया था। जैश के मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने बहावलपुर में बैठक बुलाई थी, जिसमें आईएसआई के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। साउथ पीर पंजाल यानी कि जम्मू का इलाका, यहां जैश के आतंकी सबसे ज्यादा एक्टिव है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पलटवार के डर से एलओसी और आईबी पर पाकिस्तान का हाई अलर्ट जारी है।